वैचारी मसन जी चर साहब, मैंने सुना है आज तुम यहाँ हुस्न का फेस्टिवल सजा रहे हो। बिल्कुल सही सुना आपने चौधरी साहब, क्योंकि आज का पब्लिक डिमांड सिर्फ पब्लिक डिमांड नहीं, ईद का खास तोहफा होने जा रहा है। आज यहां पर एक ऐसा मेला सजेगा जिसमें सुर होंगे, हुस्न होगा, कहकहे होंगे, और ये मंजर आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। सो प्लीज वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन उकाशा गोल एंड हिना नियाज़ी एवरीवन। भाई मैंने बड़े बड़े फ्लेवर देखे ही ना, ऐसा फ्लेवर मेरा नहीं था। नहीं 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 नहीं, ये जो चौधरी चाचू है ना, इनके साथ बहुत अच्छी हमारी सलाम दुआ अक्सर जो है ना इफ्तारी में भी हमारे घर कुछ ना कुछ भेजते रहते थे। यार ईद वाले दिन ना ऐसे चाचे मामों को गोली मार देते थे। नहीं नहीं, ये चाचू तो दिल के बहुत, चाचू ईदी तो देंगे ना आज। चाचू चाचू मामू चौधरी एवं वाला 7,000 लवा के आ गए। ये इधर कौन खड़ा है? अरबी यल्ला हबीबी, यल्ला हबीबी, यल्ला वो बहुत बड़ा खल्ला। आप हबीबी आप दूर लगाना भूल गए। आपने कहा मुझसे, आपने कहा था कि दो खूबसूरत खवातीन को आज बुला रहे हैं। जी जी, तो ये तीसरी कौन है? ये आप उकाशा है? ये बकवास है। मैं हूँ उकाशा नियाज़ी। लो चंगे रह गए। मियां चन्नू वाली, खोए वाली, मिलाई वाली। मिलाई बोली। मिलाई है पर चिक्कड़ दी मिलाई। हाँ हाँ। कोले वाली मिलाई। आपने ये दादों चाचों से ईद मिलनी हो तो मैं कुछ अर्ज करूं? जी जी, इरशाद 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 भाई। अच्छा सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी। तो जी मोहसिन, ईद को ईद ही रहने दो, कोई और नाम ना तो। ओके 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 साहब, और आपने बीच में इजाफी लगा दिया, बेवजन कर दिया पूरा शेर, लेकिन चले खैर, आपसे तो यही तवक्को थी। आई ही ना है आहा साथ उकाशा, वाह वाह वाह, प्यारी ही ना है, वाह वाह वाह, सोहनी उकाशा, क्या बात है, ईद का मौका जी ले जरा सा, कर लेंगे बातें, पी लेंगे चाशा, क्या बात है, आई ही ना है साथ उकाशा, वाह वाह वाह। हिना जी और उकाशा जी, जी ये जो आपने शायरी सुनी है जी, असल में ये मेरे दिल की आकाशी है। चौधरी इतने कुड़िया दियां तरीफां करी जान दिया, घर चो दराणी विंगी बाची ना तेनू बदवावां दे। क्या विंगी, क्या बाची, बाची विंगी बाची। और शुरू में तो उसके दांत मोतियों जैसे थे, अच्छा बाद में खोतियों जैसे, फिर हालात के टकरों से ऐसे हो जाता है। लेकिन एक मैं भी आप दोनों के हुस्न की तारीफ कर, पहले आप डिसाइड कर लें कि आप किसकी तारीफ करना चाह रहे हैं। आप दोनों की। हिना बहुत उतावली हो रही, प्लीज आप आपकी तारीफ। चाचा जी प्लीज मेरी भी मत करना तारीफ, प्लीज मेरी कर दे यार, तेनू आवाज आके मैं ही बचना। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये क्या बंद कमा में लेने आए? इसकी करो, चलो इसकी तारीफ करो प्लीज। आज ईद है, हम तो सेवैया खाते हैं ना, तो चौधरी का जिदा मुंह में बोकर उबाल के खाए। बोकर उबाल के खाएगा, ऐसे बुरा ना मनाइएगा, तेज आंच पे उबली हुई बपाशा बासु। आपने सही कहा, मैं कड़क बबाशा हूँ। है बबाशा, ये परवरिश दी तंदूर चो ही है। हसीनाओ ये बताओ कि आप दोनों की ईद जो होती है वो अवामी होती है या सियासी होती है? मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी रिलैक्स। देखिए अवामी से मुराद है कि काउंट करती है बैठ के आज कितनी ईदी हुई या कितनी दित्ती गई है, और सियासी से मुराद है कि हिना नियाज़ी और उकाशा गुल ने ईद अवाम के साथ मनाई और इस मौका पर वो अवाम के साथ घुल मिल गई। हमारी अवामी होती है? नहीं मुझे नहीं लगता, हमारी दोनों ही होती है। गिनते भी हैं और देते भी हैं ईदी, मुझे लगता है अब तो देना पड़ता है ज्यादा, मैं तो दे ही रही होती हूँ। मुझे तो सिर्फ अब्बू ने और बड़े भाई ने ईदी दी है और किसी ने ईदी नहीं दी। चौधरी यस ईदी इसीलिए जी, हिना के तो बैंक गवाही देंगे कि चौधरी की तरफ से कितने यूरो पाउंड डॉलर
करोने गए हैं। करोने उन्हें याद किया है। मोहसिन हबीबी हबीबी यूरो और कोरोना पकड़ के दिखाओ इसको, अगर ये पहचान जाए। ओ हैंडी करेंसी तो पुरानी बात है। ओ, मैं अच्छा। तो बिटकॉइन ट्रांसफर करता हूं। आप बिटकॉइन नहीं, आप फिटकॉइन है। चौधरी मेरे साथ इसने दुर फिट नहीं। अरे चौधरी केड़े बैंकां दीयां गल्लां करन दे आ, सारी जिंदगी मिट्टी दे गल्ले च तू ठिपे जोड़े ने। भैया हबीबी मोहसिन जनाब, तुमने उकासा और हिना को बुला के जो रौनक लगाई है जनाब, दिल करता है $1 अरब तुम्हें कर्जा दे दूं, मगर मैं दूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि तुम तक पहुंचेगा ही नहीं। क्या मतलब? बहुत ईमानदार मुल्क है ना ये। हिना, आपने ईद अपने आबाई हलके मियां बाली में गुजारी या अडियाला में? हैं ओए लिखते हो यार, मतलब लाहौर में गुजारी। कुछ अच्छा बोले आज तो ईद का दिन। शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोले। मेरी ईद तो आज आप लोगों के साथ गुजरी और इस बार ईद जो है वो लाहौर में ही गुजरी। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। उकाशा जी जी, आपकी ईद मियां चन्नू में गुजरी या मियां और चुन्नू मुन्नू दोनों यही आ गए थे? अभी ना तो हमारे मियां है ना चुन्नू, ऑफ कोर्स जब मियां नहीं है तो चुन्नू मुन्नू। तो अभी तो मेरे पेरेंट्स ही मेरे चुन्नू मुन्नू हैं और मेरे बहन भाई, तो उनके साथ बेहतरीन ईद गुजर रही है। वाह बहुत बढ़िया। लेकिन आज आप लोगों के साथ भी गुजर रही है, तो ईद का मजा जो है ना वो दोबाला हो चुके हैं और चार चांद लग चुके हैं और मुझे लगता है अब ईद मनाने का मजा जो है ना वो सही आ रहा है। अरे क्या बात है, मुझे कहा गया था वो कहा है फूलों का टोकरा और ईदी हमारी ईदी तो चॉइस आपने देनी है ना, वो तो मैंने आपकी गाड़ियों में रखवा दी है। क्यूट, फूलों का टोकरा आ रहा है वो चौधरी की तुर्बत पे डालेंगे। चौधरी साहब की ताड़ी किस्मत है, कुड़ियां ने गड्डियां च बह के घर चले जाना है, तुसी फिर वो परली नू साइकिल ते बिठा के पाई। एक मिनट पहले उससे पूछो वो बैठेगी कि नहीं, उसका भी कोई स्टैंडर्ड है? सॉरी चौधरी साहब, आई एम बिजी, क्योंकि मैंने अख्तर लाबा जी के हाँ जाना है। मोहसिन मोहसिन, इनका कन्विंस पता है तुम्हें क्या है? कुत्ते को पत्थर मारती हूँ, खुद पहुंचा। अच्छा मोहसिन, मैं कब से सोच रही थी कि मैंने इन को कहाँ देखा है। कहाँ देखा है? हिना से जब मैं पहली बार मिली थी तो हिना बिल्कुल ऐसी लगी। और उसके बाद उकाशा ने जब डॉक्टर हारून नबी से ट्रांसफॉर्मेशन कराई और प्लास्टिक सर्जरी करवाई तो फिर ऐसी हो गई। अब ये इनके लिए खुशाइन बात है कि इनका फ्यूचर ऐसा ही ब्राइट होने वाला है। काफी ब्राइट है। काफी ज़्यादा। ओह माय गॉड, मैं टॉक ऑफ टाउन हो गई। और ये टाउन हो गई। ओके हसीनाओं, ये बताओ कि आप दोनों को पता है कि आप दोनों में एक चीज कॉमन है, पूछो क्या? कि हम दोनों फीमेल्स हैं। ब्यूटी विद ब्रेन्स। शुक्र है आज आपने बता दी कि फीमेल हैं। हम यहां मरे पड़े हैं आप पर, हमें मेरा मतलब है, और आपको मजाक सूझ रहे हैं। नहीं नहीं, हमारी ये मजाल। देखिए आप मियां वाली से हैं, आप मियां चन्नू से हैं, तो गोया आपकी ज्योग्राफी और बायोग्राफी में मियां को बड़ी अहमियत हासिल है, बोलो क्यों? क्यों? अरे आप बताएं ना क्यों? अब ये तो जब वो आएंगे वही बताएंगे आपके उन्हों। हाँ। ये उन्हों ही बता सकते, बट आई थिंक दैट इज ट्रू, हमारा कल्चर ही इतना रिच है और हमारे कल्चर में इसी तरह से होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी दी जाती है। आई थिंक पाकिस्तान के अगर हम तमाम कल्चर्स की बात करें तो सब में ही इम्पोर्टेंस तो दी जाती है। अच्छा, तो हमारे उन्हों को भी बहुत हम इम्पोर्टेंस देंगे जब वो होंगे जी इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइए चॉइस साहब, तुझे शर्म करो। उन्होंने एक्चुअली रखे वो अच्छे तक आ रही है। देखिए मियां आप दोनों के शहरों में तो शामिल हैं जी, जिंदगियों में कब शामिल होने वाले? आप बस दुआ जारी ना, तो चूज कर ली है आप। खुदा का नाम है, मैं अंधी भी हो जाऊं ना तो मैं ये चूज नहीं कर सकती चौधरी। चॉइस साहब, अगर लास्ट इंसान बच जाए ना जमीन पर फिर भी शायद मैं ना करूं। इंसान थोड़ी है वो, भैंसिया है। भैंसिया चौधरी करो फोन, आया चौधरानी ने तेरी याद च शैंपू पी ले। ए, मेरे घर का फोन सी या अपने घर का, आप ही सुन ले। पुरानी सुती सी, मैं फोन ही ओदा लेके आया। ओ चुदराणी मां दा फोन ले,
ਤਿਜੋਰੀ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫੋਨ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਮੰਮੀ ਕਿਤੇ ਈਦ ਮਨਾਉਣ ਜਾਣਾ ਉਹ ਪੇਕੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੰਗ ਕਰ ਤੂੰ ਕਾਓ 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 ਅੱਛਾ ਉਨਕੋ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ इससे पहले कि चौधरी साहब आपको बाबुल बन के रुखसत करें आए बैठते हैं चौधरी कहा सिन्हा जी ये बताइए कि इस बार लड़कियों वाली कन्वेंशनल ईदी आई है उन्हों की तरफ से या आपने वही जिद लगाई हुई है कि पहले इंस्टाग्राम पे 100 मिलियन फॉलोअर्स होंगे फिर शादी करूंगी नहीं नहीं मेरी ऐसी कोई जिद नहीं है और अभी उन्हों हैं भी नहीं तो वो उन्हों वाली ईदी कहां से आएगी ये उन्हों कब आएंगे कितने शो में आएंगे और कितने शो चाहिए आपको हमारे आप दिल से दुआ नहीं कर रहे ना चौधरी कर ना बाप की दुआ लगती है बेटियों यस हेमोसन जेडी मैं तैनू दुआ देनी है ओ मैं अपने लिए ना कर ला उनको देनी है मुझे नहीं देनी मुझे दुआ दे चाचू जी हबीबी हिना जी हम आपके पीछे पाकिस्तान बहुत दफा आए लेकिन आप हमेशा हमें दुबई में मिली दुबई से चल के पैदल मैं आपके पीछे मियांवाली आया और मियांवाली से गड्ढे में बैठ कर लाहौर आए गड्ढे में और मरे जहाज भी आंदे ने तेरे मुर्शिदा ने कहा तू पैदल होना हम हिना नियाजी को गोल्डन वीजा देना चाहते हक मेहर के तौर पे नहीं भाई प्लीज आप अपनी ऑफर अपने पास रखें मुझे नहीं चाहिए गोल्डन वीजा तो फिर इसे कीचड़े वीजा दे देते हैं दर दर हबीबी कमरी कैलेंडर के हिसाब से तुम हिना से 11 सदियां बड़े हो सुनना 11 सदियों सही बात है वैसे तुमसे ये गोल्डन वीजा तो नहीं लेगी हाँ अलबत्ता ये तुम्हारे फ्यूनरल में शामिल होके सुबह दरैन हासिल करेगी चौधरी तुम्हारे मुंह में 107 चूल्हों का सुआ हबीबी चूल्हे बता 1,07,000 चूल्हे बस हिना जी आप एक मसरूफ होस्ट हैं बाकी भी आपने शोज पे जाना होता है ईद के दिन है ना जी तो आप किस तरह टाइम दे पाती हैं घर वालों को आई थिंक मेरी ईद पे प्रायोरिटी मेरी फैमिली होती है और सबकी होनी भी ये चाहिए क्योंकि हम पूरा साल काम कर रहे होते हैं और ईद एक ऐसा ओकेजन होता है जब फैमिली का सबसे ज्यादा हक बनता है तो मैं चांद रात को ही प्रॉपर कुकिंग करती हूँ बेकिंग करती हूँ जी बिल्कुल सेवैयाँ बनाती हूँ फिर मेरी बहन की अभी रिसेंटली शादी हुई है तो उसके इन लॉज के लिए प्रॉपर प्लेटर्स बना के भेजना और मैं खुद अपने घर पे भी डिनर होस्ट करती हूँ अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली का तो वो ईद जो है वो फैमिली के गिर्द ही मैं सेलिब्रेट करती हूँ और इसी तरह से ईद का दिन गुजरता है या फिर सो के उठ के तस्वीरें लगा के और बस खाना खा के फिर से सो जाती हूँ अच्छा मुंह से सच निकलने लगा था ईद में सो के गुजारती हूँ सो के गुजार तो बड़ा अच्छा कवर किया है नहीं ये जो प्लेटर और ये बेकिंग डाली है ना भाई बहुत यार वो तो चांद रात को बनती है ईद वाले दिन इतना तैयार होके किचन में काम कौन करे कौन करे ये जो काम हुए हुए बाल हैं या ये जो ऐसे ड्रेसेस हैं अब ये पहन के मैं अच्छी लगूंगी किचन में पतीलों में इसका मतलब आप गोपी बहू को गलत साबित कर रही हैं। ना आगे दिन तैयार होके पहुंच जाती है। रसोड़े में कौन था? हाय हाय इन्हू लाहौर ले जाओ इन्हें नहीं ये बचना जिंदगी उकाशा बनी दुनिया दा हासा बनी किते भी ना प्यार मिले है जिंदगी उकाशा बनी दुनिया दा पहले शौहर की दूसरी शादी पे आखिरी गाना गा के फौत होने वाली औरत कौन हो तुम मैं हूं इंटरनेशनल प्रोडक्ट की मॉडल वर्साची वाले मेरे पीछे पीछे होते जुत्ती ला के यू नो मैं जूतों की भी मॉडल हूं इनके जूते देख के लग भी रहा है कि जूतों की भी मॉडल है हाँ जी हाँ जी सारा सोल्यूशन पी के ना मुंह ना जूती भी गांड लेंदी है हाँ मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ जी जी तुम मट्टी टैलेंटेड हो इंटरनेशनल प्रोडक्ट की मॉडल है आप एलवी वाले ने काला साबुन बनाना शुरू करता
हिना जी वाहद औरत है जिन्हें अपने ब्याह से अपने बंदे को जुती लगाई तो दुध प्याई भी आप ले। आपको तो चल रही है हर मस्तियां। अच्छा मेरा नया गाना सुनोगे तो आपको दंडल पड़ जाएगी। सुनाओगे कौन सा टॉर्चर हमें देने लगी हैं आप? हे मुबारक आज का दिन रात आई है सुहानी शादमानी हो शादमानी तारा दूरा नम शादमानी हो शादमानी पहनती है बरसात वे सुती नहीं सारी रात वे जमीन ही हिल रही है चढ़ी चढ़ी चढ़ाऊं पहनती है बरसात वे सुती नहीं सारी रात वे कोठा साडा चौंदा हाय छोटा मुंडा रोंदा मंजी डाल है पखा ला ले लम्मा पैजा पड़म पहनती है बरसात वे सुती नहीं सारी रात वे कोठा साडा चौंदा हाय छोटा मुंडा पब्लिक डिमांड की पूरी टीम की जानिब से ईद मुबारक। ओके जी, ये बताइए आप दोनों के बचपन में कितनी ईदी मिला करती थी, और ये भी बताएं कि कम से कम कितनी ईदी मिली है और ज्यादा से ज्यादा कितनी ईदी मिली है। दादी अम्मा से 2 रुपए मिलते थे और अब्बू से 5 रुपए। इतनी पुरानी हो तुम। अच्छा मैं पता क्या सोच रही थी जब आपने सवाल पूछा तो मैं वाकई सोच रही थी कि मुझे 50 रुपए मिले थे, और मैं तब भी ये बताते हुए सोच रही थी कि फौरन से कोई कहेगा तुम इतनी पुरानी हो। अच्छा नहीं, मैं पुराना नहीं था, मैं गरीब थी। मेरी बहनें अपने बच्चों से ले लेती हैं, मैं उनको बोलता हूं वो ले लेती हैं। अरे ऐसे कैसे यार। और मैं तो ईदी चुराती भी थी, पता क्या होता था, क्योंकि बड़ी बहन थी ना तो उसको ज्यादा मिलती थी ईदी, तो वो जरा केयरलेस थी, अपना पर्स कहीं रख के भूल जाना, तो मैं जब गिनती थी तो उसको ज्यादा हुई होती थी, तो कुछ पैसे निकाल के अपने पर्स में डाल लेना। लेकिन इवेंचुअली होता था कि रात को जो हिसाब किताब होता था ना उसमें अम्मी कहती थी बेटा हम लोग ईदी देते हैं तो आप लोगों को ईदी मिलती है, तो सारी ईदी अम्मी के अकाउंट में चली जाती थी। हाँ वैसे यही लॉजिक है अम्मियों की ना, कि हम भी तो देते ना, हम भी तो देते ना, तभी आप सलामियां पांदे ने उन्होंने दित्तियां ने ते लैणियां नहीं ने, उन्होंने तो बताया 7 रुपए। आप बताएं। मुझे 50 रुपए कम से कम मिली है और ज्यादा से ज्यादा 5,000 मिली होगी। यार ये सीधा सीधा झूठ है। नहीं ठीक है, मैं ज्यादा माजी ये था उसका 5,000 वाला मुंह बनता है। यार ये डिसाइड कर रहे थे कि मेरा ऐसा मुंह हो सकता है। ये बताइए कि आपने उस 50 रुपए में क्या क्या खरीदा था? बहुत कुछ आ जाता था, वो एक हम अपने सराइकी में कहते हैं कुल्फी, वो ऑरेंज कलर की लाल रंग की कुल्फी होती थी, आइस लॉलीज खाते थे हम, और चूरन लेते थे, और बहुत चूरन कलरफुल जेलीज होती थी, वो खोलते थे ना बंटी। उसके अलावा वो पापड़ होते थे बल्ले बल्ले छोटे छोटे, हमारे मियां वाली में तो वो गोल से पापड़ मिलते थे, बहुत ही बड़ा वड्डा जहाँ पापड़ होता था, वो भी उसके ऊपर चूरन डाल के खाने का हो क्या और वो लंबे लंबे रंग बिरंगे पापड़ भी उंगलियों से पाके। बेचारी बोसन उकाशा और हिना की बातें सुनकर किंग ऑफ कॉमेडी अमानुल्लाह याद आ गए। वो कहते थे कि बच्चा पावे मलका विक्टोरिया दा होवे मंगदा पर फड़ा के उड़ाइए। वाह वाह अमानुल्लाह साहब क्या बात है, वाह वाह व्हाट एन ऑब्जर्वेशन मैन। सारा दिन हिना ने बर्फ वाले गोले गंदे अजीब जे पापड़ और पै पाले चूरन ते राती सुती पिटकण। अम्मा तू ठंडा खा बैठी हां, मेरे खांगा ने सिरप चा लिया। मैं चूरन खा लिया, कोई दम्मे दी मरीज ना जो राती अम्मा नु मेरा खांगा राती। थोड़ी साहब आपने हिना न्याजी की नकल उतार दी थी, आप अपनी परनानी की नकल उतार रहे हैं यार। परनानी मेरी गुस्सा कर जाए। आपको बचपन में ईदी कितनी मिलती थी? मुझे तो 5 किलो तूड़ी।
बड़े दिगिरदा साहब लाखों करोड़ों रुपए ट्रांसफर करते थे। अच्छा। शफकते पिदरी के बाद उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के पर्चे हो जाते थे। हाँ जी, इनका मनी लैटरिंग का काम था। है ना जी, ईद की शॉपिंग के हवाले से तमाम औरतों में एक बात कॉमन है जी, सारा साल भी शॉपिंग करती रहे ना मुतमईन नहीं होती, सबसे जब तक के वो चांद रात को निकल के रश में ख्वार होके ना आए। आप भी ऐसा करती हैं? सबसे पहले तो अपने जुमले में से औरतों का लफ्ज हजफ करें। लड़कियों हाँ। तो शीजा इसको चुन्नी मुन्नी बोल दे कोई। हर लड़की का आखिरी मकाम औरत ही है दोस्त। एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा, चांद रात को शॉपिंग का अपना ही मजा है, वो धक्के जब लग रहे होते हैं लिबर्टी में और जो खज्जल ख्वार हो रहे होते हैं आप, लेकिन आई थिंक चूड़ियां मैच करने का दिन वही होता है चांद रात, जब आपको पता चलता है, क्योंकि सारे जोड़े उस दिन आते हैं। finally, हाँ। जो डिजाइनर्स ने फाइनली हमें भेजने होते हैं बना के, तमाम दर्जी जो है ना ब्रदर्स वो भी हमें भेज रहे होते हैं, तो आई थिंक चूड़ियां लेने और वैसे भी फेस्टिविटी होती है तो मजा आता है। हाँ। लेकिन मर्द हज़रात बहुत ख्वार होते हैं, मतलब मेरे भाई को अगर मैं कभी कहूँ कि मैंने लिबर्टी जाना है चूड़ियां लेनी है या ये वाई ब्लॉक तक मेहंदी लगवाने जाना है, मतलब उसका कुछ है नहीं, वो क्या करे वहां जाके। Exactly, वो क्या करे बेचारा वहां पे बाहर खड़ा रहे, आपने आप लोग खवातीन देखते नहीं रहते, एंजॉय कर रही हैं उनको खुश देखकर, आप लोग भी खुश होते हैं। फिर वो लड़के कौन से होते हैं जो छेड़ रहे छेड़ ये 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 यही लड़के ये है ये चॉइस लड़के कहाँ से लग रहे हैं आपको चौधरी, ये अपने आप को औरत नहीं कहने दे रही, तेरे लड़का नहीं कहने दे रही, ये रॉन्ग है रॉन्ग, ये घर से लड़के है। काशा जी, चांद रात के रश में खरीदी गई चीजों में अक्सर कोई ना कोई नक्स निकल ही आता है। हाँ। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि जूती का पैर बड़ा निकले या चूड़ियां छोटियां निकल आई या मेहंदी का रंग खराब निकला है? कपड़े जो जल्दी में लेके आते हैं दर्जी, वो छोटे बड़े कर देता है। वो तो एक मसला रहना है हमेशा। और चूड़ियां जो है वो तो हम पहनवा के आते हैं। चौधरी को ये मसला हुआ है क्या चांद रात को? क्यों दर्जी कपड़े लेके भाग गया? ये वो अकेला रो रहा है, बोले तेरा क्या लेके भाग गया? बोले मेरा नाप लेके भाग गया। तंबूज गला पाया। हिना जी, इस ईद पर आप दुबई नहीं जा रही, क्या बनेगा बेचारे दुबई का? नहीं नहीं, ईद के चौथे दिन का प्लान है ना, आई माइट बी ट्रैवलिंग समवेयर और अभी डिस्क्लोज करना इज टू अर्ली। तो आपके इंस्टा से पता चलेगा कहाँ है? इंस्टा से, वो भी जब मैं वापस आ जाऊंगी तब लगाऊंगी ना, चॉइस साहब जैसे लोगों की नजर भी लग सकती है। यकीन मानो, और चॉइस साहब आपने 50 अकाउंट बनाए हैं, मैं ब्लॉक कर कर के थक गई हूँ। ये नीलम परी, पापा की परी, पीनो पंबीरी, पीनो पंबीरी भी नहीं का अकाउंट है, शुरली, यू स्टॉकर, तुम क्यों नहीं मुझे ब्लॉक करती हो? क्योंकि आपने पूरा इंस्टाग्राम ब्लॉक किया हुआ है। बजना है हसीनों, लो ये आ गया, अरे बजना है हसीनों, लो ये आ गया, हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन, इसकी अदा है यारों से जुदा। आपको मुबारक हो, इधर बैठ जाओ। आपको मुबारक हो, अदालत ने आपको इंसान तस्लीम कर लिया। बेटा बेटा इधर आओ। बेटा किसी ने ईदी दी आपको? मैं आपके लिए ईदी लेके आई हूँ। कुकड़ा दे उठो, टोकरा किने चकिया बार। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप हैं कौन? मैं हूँ सब कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी बिजनेस फैमिली, अंबानी फैमिली का आखिरी चश्मो चराग, टाइगर अंबानी। ऐसे बच्चों को ना ईद पे जब माओं के साथ आते हैं तो मैं साइड पे ले जाके चपेड़े करती हूं। जहरीले बच्चे होते हैं, जहरीले बच्चे। और बेटे जिद्दा की तरह कर दे तू क्या अचारी अंबानी। बेटा इधर आओ, बेटा इधर आओ, फुक्को से ईदी लो। लेडीज लेडीज, आप मेरे साथ खामे खां रिश्तेदारियां ना बनाएं। खामे खां, खामे खां ना मिलाएं। अरे खामे खां तो मैंने कभी किसी के साथ रिश्तेदारी नहीं की भाई, और हमें बिल्कुल भी शौक नहीं है खामे खामे आपके साथ रिश्तेदारियां बढ़ाने का। मैं ऑलरेडी एंगेज हूँ, मुझे पे डोरे मत डाले आप। शुक्र है पुत्र तू एंगेज ने, और कि था इनग्रेव्ड हो जा। मौसम वैसे भी मुझे नॉन सीरियस लड़कियां पसंद है। ओके ओके ओके,
उसे कोई सॉलिड कैरियर होना चाहिए ना, कभी PSL की ट्रांसमिशन और कभी पॉलिटिकल सैटायर की होस्ट। बेटा किसी बहाने तू सानू देखते रहे है ना, सॉलिड कैरियर चाहिए बेटा आपको, साइकिल पे बैठा करें। सब बातें ठीक हैं, बस बेटा निकाल दे इसमें। अच्छा मुन्नू इधर आओ। बात पक्की होने से पहले मैं उधर नहीं आऊंगा। ओके मौसम भाई ये पिस्तौल ला के फिरदा जे कहना मलका दिया बतखा मनु गली चो नहीं नंगा दे। तो आप अपनी बतखों को लगाम डालें। सिर्फ बतखों को लगाम। गर्ल्स आप मुझे इजी ले रही हैं। अच्छा मैं अंबानी फैमिली का सबसे काबिल बच्चा हूँ और इन्वेस्टर भी। तो काबिल बच्चा यहाँ करने क्या आया है? यकीनन आपको है? नहीं एक्चुअली मैं दिल तो बच्चा है और कुछ कुछ होता है का रीमेक बना रहा हूँ। हीरो चाहिए आपको? हीरो चाहिए? नहीं मैं हूँ ना। हीरो आप हैं क्या? पहले सही नहीं बनी है फिल्में? सही बनी है, मैं ज्यादा अच्छी बनाना चाह रहा हूँ। मुझे दिल तो पागल है के किरदारों में पूजा और निशा और कुछ कुछ होता है के लिए अंजलि और टीना के किरदारों में मुझे हीना और उकाशा चाहिए। इस उम्र के बच्चों को जब कुछ कुछ होता है ना तो माँ बाप से बड़ी मार पड़ती है बेटा। आप खामे खां ऐसे ही आंटी बन रही हैं, अभी तो आप जवान हैं। बेटा हम आप जैसे बच्चों के बहुत एंटी हैं। आप एंटी हैं तो मैं एंटी करप्शन हूँ। एंटी करप्शन वाले ना इस फेक अंबानी के चश्मो चराग को ढूंढ रहे हैं। वो ऊपर से ढूंढ रहे हैं, मैं नीचे नीचे रहता हूँ। बाय द वे वो लोग फिल्मों में काम नहीं करते। कर दिया थे या पहले टीवी चे भी नहीं सुन फोन कर दिया ने ना। हाँ वैसे ये तो मोशन। हाँ दैट्स द पॉइंट। एक्सक्यूज मी गर्ल्स, कल ठीक 4 बजे आपके घर की छतों पर दो हेलीकॉप्टर आएंगे। जिंदा दिया पूछा रहता गाड़ी से बने होंगे। ए मिडिल क्लास होस्ट, ब्लैक कोबरे आएंगे, ब्लैक कोबरे। बेटा आप जैसे बच्चे ना ब्लैक कोबरा का एक नवाला होते हैं बस। आपने चुपचाप हेलीकॉप्टर में बैठ जाना है और वेन्यू की पिन लोकेशन मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ। बेटा तुम्हारे जैसी पिन से ना मैं अपने आईफोन की सिम जैकेट खोल लेती हूँ। मैंने आपको आईफोन की फैक्ट्रियां खोल के देनी है और आप मुझे नॉन इंटेलिजेंट बिल्कुल नहीं लगती। मैं आपको अपने दादा के उस फार्म हाउस पे लेके जाऊंगा जहाँ हाथी हिरन शेर आपके आजू बाजू घूमेंगे और आपको कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि टाइगर अभी जिंदा है। मैं आज भी वो 150 वाला जंगल वर्ल्ड एनिमल वाला पैकेट खरीदना नहीं छोड़ा। जितनी दफा आपने मुझे बेटा कह दिया ना आपका और मेरा रिश्ता मकरू हो गया। ओ भाई अंबानी अपनी बांदरी फाड़ ते लक्ष्मी चौक तमाशा कर जा। चाय का मेन्यू पता कौन सा है? कौन सा? दूध की कड़ाही के नीचे इसने कुर्सियां लगवाई हुई। All right, ladies and gentlemen, keep watching Public Demand. Welcome back to Public Demand. Okay, ladies, अब हम जाते जाते आपके साथ एक सेगमेंट खेलने जा रहे हैं जो मेरा पर्सनल फेवरेट है। मैं कुछ शख्सियात के नाम लूंगा, है ना, आप सिराइकी में उनको कुछ मशवरे देंगी ईदी के तौर पे और आप ईदी के तौर पे उनको एक एक गाना डेडिकेट करेंगे। आर यू रेडी गर्ल्स? Yes. Ready. लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी। Yes, please. बस में बच्चे बैठे होते हैं तो वो उठ के बड़ों को जगह देते हैं, आपने बच्चे को बिठा दिया। देखिए बच्चा भी तो अंबानियों का है ना और आप दोनों भी उनकी प्रीपेड बहुएं हैं। और अब मोहसिन सोफे पे बैठना भी ना उसने गीला कर दिया। बकवास कर रहा है, डायपर बांध के आए हो ना। चौधरी साहब हर शो के बाद ये चेयर तो टूट जाती होगी जी, आधा बजट तो इसी कुर्सी का है। अगले शो च इत्थे असीं फांसी वाला फट्टा रखना है। वज़ीरे आज़म शहबाज शरीफ साहब मशवरा। शहबाज शरीफ साहब बहू मैं तुहारी रिस्पेक्ट करेनी हां, बहू तुहारी इज्जत करेनी हां, लेकिन दूजी बार तुसां वज़ीर आज़म बनदे पे हो, पहली गल तुहानू बहू मुबारक होवे, लेकिन इहदे तुसां वादे कीते हन कि मैं अपने कपड़े वेच के आटा सस्ता करे सां जां कपड़े नवे चो पाई वधे रहो क्योंकि उह वेच ही छुड़े सो तो आटा नहीं सस्ता थींदा पिया, तेरे रा वल वल के तुसां माइक नूं कहिंदे डे चा के मरेंदे हो, कहिंदे डे ढहंदे हो, माइक ढाउण नाल ते वाउण नाल कुछ नथी सी, ਹੁਣ ਵਕੋ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਸ਼ੋਦੇ, ਉਹ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਮਰਦੇ ਪੈਣ, ਆਟਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਨਾ, ਪੱਖਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਗਿਨੋ, ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਦਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਇਹਦੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਸਟੰਟ ਪਿਆ ਥੀਂਦਾ, ਇਹ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲੇ ਬੂਟਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਵਾਓ ਜੋ ਚਿੱਕੜ ਥੀਵੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ।
अच्छा मैं इंतजार कर रहा था अभी हिना कहेंगी मैं कुछ करके बखाओ और मैं उस वक्त से म्यूजिक बीट कलसूम और ब्रिटनी ह्यूस्टन बन जाती और जिन्नी तेज बोली है लड़कियों ही ना सस के स्टेप दी बनेगी मैं तो जतो दिनो लाया है मैं तो बात कर गया पाप है मैं तो रोटी नहीं पूछ दिया तो पाप है सही मैं तो पोत्र पोत्र तू तो तू तो बहु पोत्र मरियम नवाज साहिबा को एक गीत डेडिकेट करेंगी उकाशा जी मोहसिन मैं हमारी नई नवेली सीएम को एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना डेडिकेट करना चाहूंगी भोली सी सूरत आँखों में बसती हाय हाय भोली सी सूरत आँखों में बसती दूर खड़ी शर्माए सीएम हाय एक झलक दिखलाए कभी कभी आंचल जाए हाय हाय मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर वो आए भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए सीएम हाय क्या बात है हिना जी आप मियां नवाज शरीफ साहब को क्या मशवरा देंगी मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब नू ये मशवरा देसा कि मियाँ साहब तो संतराए वारियाँ गिद्दियाँ हैं पहले तो ये दसो तुम पवेलियन बा के किन्ने पिया लगता है तो तुसा अपने निक्के भरा सारे गुर तो सिखा देते हैं लेकिन ये नहीं दसा कि मुल्क की जी इकोनमी है उसनों किन्ने ठीक करना है ओका मैं आदि पियाँ बेड़ा गरुक थी पी सारी इकोनमी का हाल बुरा थी पी है मैं तो जिते वेनी हाँ ना बारे मुल्क से कुछ गिन लगती हाँ तो पता लगता है कि सारी करंसी कितनी डिवैल्यू थी गई है इतू 2 लाख गिन के वनो तो उत्थे लगता है 2 लाख गिन के आया थिया पिया तो है मियाँ साहब प्रोग्राम वेख के कहे ये हीरा ने आजी क्या कह रही थी क्या कह रही अगला गीत उकाशा जी मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अबे भरा नहीं अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अबे भरा नहीं सदरे मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब के लिए क्या मशवरा है ईदी के तौर पे जरदारी साहब ने बस मैं यही आखना चाहनी हाँ कि तुम्हें बहुत बहुत मुबारक होवे तुम्हें रुझी वारी मिलती पई है सदर बनाने की वैसे तो सा 18वीं तरमीम की है वो तो बहुत चंगी थी गई है अच्छी गल है वो तब्दीली भी होनी चाहिए लेकिन मैं आखसा कि मियाँ साहब पवेलियन बैठे इन कुछ उन्होंने भी ख्याल करो कोई कितों उतू मशरे भी गिनो मुल्क वास्ते भी कुछ जरूर कराए दावे तो वादे तो बहुत किते हैं तो बस एक होर गल भी आखना चाहनी हाँ कि मेरा बिलावल है ना हूँ उसका विह कर छोड़ो हूँ तुम ए ना खाए कि पहले तू कर छोड़ अपना बिलावल दा व्याह कर छोड़ो तो मैं ते उकाशा जरूर असा ठीक है ना ते उत्थे पूरा आके शुगर लसा ते नाल सेल्फीयां ही छिकसा बिलावल दे हिना वैसे इतनी बड़ी शादी में ना हम लोग नसीबोला और फरा लाल ही लगेंगी ओ उकाशा चौधरी ते हिना चौधरी ओए उत्थे चौधरी बुलंद बख्त ने इंतजामात कीते हुए तुसी मेरे नाल जाना है ते नाल साडे महक मलक जाना है मैं उत्थे लैके जाना उस्ताद राहत फतेह अली खान नूं भी लैके जाना है अच्छा नाल इहनूं भी लैके जाना उत्थे चुकना इधर कोई नहीं उकाशा जी शेर अफजल मरवत साहब के लिए कौन सा गीत है आपके पास मोहसिन जलालुद्दीन तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है सबसे पहले तो मैं बताऊं मैं तुम्हारे शो में आई थी तुमने मेरे सारे जंबल लगा दिए और दूसरी मैं बात करूं मैं अपने लिपस्टिक और मैंने तुम्हें कहा मेरे टीथ देखो गंदे तो नहीं तुमने वो भी ऑन स्क्रीन कर दिया उसकी हर जगह एयरिंग हो रही है ये कैसी एयरिंग है आपको पता है मैं आपका बहुत ऑन एयर करता हूँ और मोहसिन जलालुद्दीन ऑब्सली सी बात है और मेरी बात सुने मैंने किससे बात करनी शेर अफजल मरवत साहब
बिग लाइन मरवत आप मेरी बात सुने व्हाट है शेर अफजल मरवत अफजल बड़ा होता है शेर लाइन होता है कभी तुम लोगों ने स्कूल जाके नहीं देखा बिग लाइन खोसा साहब आप कैसे आए मार्केट में आपने मीरा के सारे प्रोग्राम बांट दिए ऐसे नहीं चलेगा और ये आजकल के लड़के लड़कियां खैर ये तो मेरे ही उम्र की है मेरे दौर की है मुझे पता है जब मैं ऑन स्क्रीन हीरोइन थी तब ये मेरे पीछे वो एक बॉटल सी ग्लास जो पाइनएप्पल का मिल्क शेक और ऑरेंज मिल्क शेक लेके ऑरेंज मिल्क शेक तो अभी बस मैं इजाजत लूंगी मुझे पैसे तुम लोगों ने सिर्फ 2000 रुपया दिया और इतना ज्यादा बुलवा लिया सॉरी शेर अफजल मरवत साहब दे बारे में सी एक सा के तो सोरे रख कम पैसे गिन के सजाए मौत देने वाला वकील नहीं होता अगला गीत है फारूक सत्तार साहब के लिए सितारे के धर जा रहे हो जरा दूर जाओ तो चैन आ जाए जरा दूर जाओ तो चैन आ जाए बदन पे सितारे लपेटे हुए फरूक सितारे के धर जा रहे हो जरा दूर जाओ तो चैन आ जाए जी शेख रशीद साहब को गायबाना ईदी दे उन्हें तो पता ही नहीं कि थे या मैं भी पूछना चाहनी हूं शेख साहब को लो कि शेख साहब तो सा कितने छप्पे पए हो तो कोई अता पता को नहीं तो सा दादे आए कि जेल मेरा ससुराल है और ससुराल वाले आप तो उन्हें लभेने लेके तो सा लभींदे ना हो पाए अच्छा शेख साहब होने एक नाराजगी वाली गल कोनी मैं एक और सवाल ही पूछना चाहनी हूं कि ना तो सा सोशल मीडिया ते किथाई सन रसींदे पए हो ना तो सा मेन स्ट्रीम ते किथाई रसींदे पए हो डेरा चैनल लाओ वल वल दे लोग बैठे बस तुसा को ना हो अच्छा ते बतो नहीं तो रेडी ते वेंदे आए पावड़े ते शोरबा खाउन उन्हें को नहीं पता कीता से ओ आधे तोरा नंबर ही ऑफ मिलदा पिए शेख साहब के मामला है किथे छपे पयाओ सन ईदी ता हां सच ते ईदी ता देओ कोई विश ना करो ईद का मौका है रस्में दुनिया भी है मौका भी है दस्तूर भी है शेख रशीद हमसे दूर भी हैं तो उनको कुछ बाकी चाहिए शेख रशीद साहब की जिंदगी में लाल रंग बड़ा अहमियत रखता है जी 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 उनका लाल मफलर उनकी लाल हवेली तो मेरे ज़हन में एक ही गाना आता है कौन सा लाल हवेली उड़ गई रे मेरी हवा के झोंके से लाल हवेली उड़ गई रे मेरी हवा के झोंके से मुझको पुलिस ने देख लिया हाय रे मौके पे हाय रे मेरा दिल लेगा वो मगर मेरी जान लेगा वो कहो के मेरा दिल लेगा वो मगर मेरी जान लेगा वो भाई जाते जाते कासिम के अब्बा को भी ईदी पहुंचा दे जरा अडियाला तक जी सब तो पहले तो मैं कासिम दे अब्बू ने रसना चाहनी हूं कि मैं अपने मां प्यो नाल मियां अली गई हूं 8 घंटे का सफर तय करके तुहानू वोट दिता है ते मियां अली जी तुसा क्लीन स्वीप कीता है लेकिन वाती तुसा वजीर आजम ना बने मेनू बहु अरमान लगा है पेट्रोल एना महंगा है ये दूर संगया वत भी तुसा ना बने लेकिन खैर है दिल छोटा ना करो अगू आने वाला वक्त इंशाल्लाह तुहाडे हक च बेहतर हो सी हौसला करो ते लोगों नू भी यह तलकीन करो कि दंगे फसाद न करें हौसला करें ते ग्रेसफुली देरी से उठ थी गई है देरा फैसला होना आ गया है उसको एक्सेप्ट करें बंदा कानून वोट जे पावे ओ कुर्सी ते ना आवे अरमान तो लगदा है अब तो च लगदा है अरमान च लगदा है अब तो च लगदा है खैर ये गाना तो हम तय करके सर्दियां ली पेटी च रख देंगे आप कोई अच्छा सा गाना डेडिकेट करिए सबसे पहले तो मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी कि आई डोंट नो कि वो कैसे पॉलिटिशियन है या नहीं लेकिन दिल कहता है और पूरा पाकिस्तान भी कहता है कि वो इंसान अच्छा है ये
दिल की आवाज है और गाना अचानक से मेरे जहन में बड़ा खूबसूरत आया, वो गाती हूँ। पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो फिर खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। पूरी टीम की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक।